या बातमीचे प्रायोजक आहेत कादरी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सोलापुर। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्यादुल मुस्लिमीन के जानिब से पूरे देश भर के अंदर हमारे बैरिस्टर प्रदेश अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब और प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब, हमारे सोलापुर शहर के अध्यक्ष हाजी फारूक भाई शाब्दी साहब, इनकी सदारत में आज MIM पार्टी की तरफ से सोलापुर शहर के अंदर जो है कलेक्टर साहब को एक निवेदन देने के लिए आए। विषय ऐसा था कि एक महीना नीचे 10 सितंबर को सातारा शहर के अंदर वहाँ पर एक मस्जिद के अंदर एक मुस्लिम नौजवान को कुछ समाज कंटक, जिन्हें मैं आतंकवादी के नाम से कहना चाहता हूँ, ये जो है समाज कंटक अपने मन में द्वेष रख कर एक मुस्लिम नौजवान का जो बेरहमी से कत्ल कर कर मस्जिद में घुस कर मस्जिद के वजू खाने तोड़ फोड़ किए और मस्जिद के अंदर कुछ लोगों पर जानलेवा हमला किए, ये साजिश मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की साजिश है। और ये साजिश बीजेपी जो है हुकूमत में आने के लिए ये साजिश कर जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाने का काम जो है बीजेपी काम कर रही है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का आने वाले इलेक्शनों में जो है सोलापुर शहर की अवाम हो या महाराष्ट्र की अवाम हो या हिंदुस्तान की अवाम हो, इन लोगों को इनकी जगह दिखाई है। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है अमन और शांति से लोग रहने वाले लोग हैं, हम जो है बाय चॉइस, हमारी खुद की चॉइस के वजह से हम हिंदुस्तान में रहे। और ये लोग बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, इस नाम ये बार बार हमें टारगेट कर मुसलमानों को गई के नाम पर मारा जा रहा है, कहीं पर और अलग अलग मसले लहू जात के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करके मारा जाए, कब तक हम मुसलमान इस बात का हम अब सहन करेंगे। बस हमारे कुछ सियासतमंद लोग जो सेकुलर पार्टी के जो लोग हैं, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग, जो सीनियर लोग हमारे कौम को बुजदिल बनाने का काम अगर कौन कर रहे हैं तो हमारे मुस्लिम समाज के सेकुलर लोग जो है हमारे कौम को बुजदिल बनाने का काम कर रहे हैं। मैं मेरी कौम से यही कहना चाहता हूँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्यादुल मुस्लिमीन पार्टी आपके साथ है, कहीं पर भी जुल्म होगा हमें आवाज़ दीजिए, इंशाल्लाह हम आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर जो है इन बुरी ताकतों के साथ हम लड़ेंगे। और आज यही बात कहना चाहता हूँ, जो भी उस सातारा के अंदर जो बच्चे पर जो जुल्म हुआ उसके घर वालों को शासन की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए, उसको गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए और उसके घर वालों को आर्थिक मदद देना चाहिए। बस मैं कलेक्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ और इतना कहकर मैं ये जो हमला और लोगों का जो है मैं जाहिर निश्चित करता हूँ, बस इतना कहकर मैं अल्पास खत्म करता हूँ। सोलापुरात वैद्यकीय क्षेत्र उत्तुंग भरारी घेतलेले व ISO नामांकन मिळालेले हॉस्पिटल म्हणजे कादरी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। 24 तास मेडिकल औषधांची सुविधा, सुसज्ज महिला वार्ड, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे ICU, ऑपरेशन थिएटर, बालरोग विभाग, प्रसूती रूम, हाय टेक्नॉलॉजीचे एक्स-रे रूम, सोनोग्राफी, अत्याधुनिक ICU विभाग आणि 24 तास इमर्जन्सी सर्व्हिस ही। आमचा पत्ता प्लॉट नंबर 10 मजरेवाडी नई जिंदगी रोड अथर्व मंगल कार्यालयाजवळ सोलापूर।